नहीं चाहते हिस्सेदारी बेचना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप 24 न्यूज चैनल, मैं हूं गुंजन आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। अब तक की देश में सबसे बड़ी होटल चेन चलाने वाली स्टार्टअप कंपनी ओयो अपना आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी ने इसकी मंजूरी के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास DRHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोफेक्ट्स को भेज दिया है। मार्केट रेगुलेटर कंपनी ने सेबी के पास जो DRHP भेजा है उसके हिसाब से ये आईपीओ 8,430 करोड़ रुपए का होगा। इसमें कंपनी 7,000 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर जारी करेगी, जबकि 1,430 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल में रखे जाएंगे। ओयो की सबसे बड़ी इन्वेस्टर जापान की टेक इन्वेस्टमेंट कंपनी सॉफ्ट बैंक है। ओयो अपनी कंपनी में कंपनी के करोड़ों रुपए मूल्य के शेयर बेचेगी। सॉफ्ट बैंक इस तरह A1 होल्डिंग, INC चाइना लोडिंग और ग्लोबल IVY वेंचर्स के साथ मिलकर कंपनी में 46% हिस्सेदारी बेचने की संभावना है। रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे, उनके साथ बाकी निवेशक लाइट स्पीड वेंचर्स पार्टनर्स, स्कोया कैपिटल, स्टार वर्चु इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, क्रोनेक्स कैपिटल, Airbnb और वहीं बने रहेंगे HT मीडिया और माइक्रोसॉफ्ट भी इसके मालिक। ओयो के आईपीओ के लिए लीड मैनेजर की जिम्मेदारी कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, JP मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की होगी। जबकि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो सेबी से मंजूरी लेने के लिए DRHP जमा कराती है। ये कंपनी के आने वाले आईपीओ का पूरा लेखा जोखा होता है, जो बताती है कि कंपनी आईपीओ से कितना पैसा जुटाएगी और उसका यूज क्या करेगी। देश में किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के लिए सेबी की मंजूरी लेना अति आवश्यक होता है। सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।